राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार भदौरिया ने अपनी समस्याएं बताने आई आशा कार्यकर्ताओं को धमका डाला और कहा नई भर्ती कर देंगे। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया अब तक प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाने को लेकर विवादों में थे, लेकिन उन्होंने अब आशा कार्यकर्ताओं को भी धमका डाला। दरअसल सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने और पिछले वेतन का भुगतान समेत अपनी मांगों को लेकर बीते 1 जून से आशा कार्यकर्ता धरने पर बैठी थी। तभी ओपीएस भदौरिया ने आशा कार्यकर्ता से कहा कि उनको कोई काम वाम तो है नहीं, सिर्फ नेतागिरी कर रही है। जब आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग रखी तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वे दूसरी भर्ती कर लेंगे। अब समस्या कर जनता मंत्री के पास नहीं जाएगी तो कहां जाएगी, लेकिन समस्या दूर करने के बजाय धमकाना कहां तक उचित है, इसका जवाब तो मंत्री ओपीएस भदौरिया ही दे सकते हैं। नहीं तो आप क्या करें भाई साहब, आप यहां के लोकल होकर के आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप क्या करने जा रहे हैं, तो सरकार निर्णय लेगी, आपको कोई बात नहीं, नंबर देता नहीं काम तो ये कर सकता है। आप क्या भर्ती हुई थी ना, आप भी काम नहीं है तो लोगों को निकाल देंगे, दूसरी भर्ती कर चलो। नहीं नहीं हां निकाल देंगे, दूसरी भर्ती कर चलो। नहीं नहीं हां निकाल देंगे, दूसरी भर्ती कर चलो। हमारे पास 24 घंटे का टाइम है, हमारे पास 24 घंटे का टाइम है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।